गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ आप सब बच्चे होंगे। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के विषय में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आइए मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, पंडित कृष्ण राव क्या थे? ए नंबर में एक नर्तक, बी नंबर एक गायक, सी नंबर तबला वादक और डी नंबर संगीतज्ञ। सही आंसर है ए नंबर, एक नर्तक। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास का जन्म स्थान कहाँ था? ए नंबर गया के लक्ष्मणपुर में, बी नंबर मथुरा जिला का राजग्राम में और सी नंबर इलाहाबाद यूपी में और डी नंबर राजगीर पहाड़ी में। सही आंसर है बी नंबर, मथुरा जिला का राजपुर ग्राम में। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर के पिता का क्या नाम था? ए नंबर डॉक्टर सैनी शंकर, बी नंबर डॉक्टर श्याम शंकर, सी नंबर डॉक्टर रघुदास और डी नंबर गौतम दास। सही आंसर है बी नंबर, डॉक्टर श्याम शंकर। अगला प्रश्न है, बड़े गुलाम अली खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए नंबर 1901 लाहौर में, बी नंबर 1897 बिहार में, सी नंबर 1904 कश्मीर में और डी नंबर 1807 पंजाब में। सही आंसर है सी नंबर, 1904 कश्मीर में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के पिता का नाम क्या था? ए नंबर फैयाज खां, बी नंबर कबीर दास, सी नंबर सुधा खां और डी नंबर साधु खां। सही आंसर है डी नंबर, साधु खां। अगला प्रश्न है, मियां तानसेन ने किस राग की रचना की? ए नंबर राग भैरवी, बी नंबर मियां मल्हार, सी नंबर दरबारी कंदरा और डी नंबर बी एवं सी दोनों। सही आंसर है डी नंबर, बी एवं सी दोनों, यानी मियां मल्हार और दरबारी कंदरा। अगला प्रश्न है, किस संगीतज्ञ को भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया गया है? नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी नंबर पंडित किशन महाराज, सी नंबर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, डी नंबर पंडित रघुदास। सही आंसर है सी नंबर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न है, बेगम परवीन सुल्तान किस गायन के लिए प्रसिद्ध हैं? ए नंबर शास्त्रीय गायन, बी नंबर वायलिन वादन, सी नंबर बिना वादन, डी नंबर गजल के लिए। सही आंसर है नंबर, शास्त्रीय गायन। अगला प्रश्न है, बड़े गुलाम अली खां का निधन कब हुआ? ए नंबर में है 25 अप्रैल 1965, बी नंबर 23 अप्रैल 1968, सी नंबर 28 मई 1971 और डी नंबर 15 जून 1966 को। सही आंसर है बी नंबर, 23 अप्रैल 1968 को। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए नंबर 7 अप्रैल 1920 वाराणसी में, बी नंबर 4 जून गया में, सी नंबर 25 मई बनारस में, डी नंबर 6 अप्रैल नागपुर में। सही आंसर है ए नंबर, 7 अप्रैल 1920 वाराणसी यूपी में। अगला प्रश्न है, बड़े गुलाम अली खां का निधन कब हुआ? नंबर 14 अप्रैल 1968, बी नंबर 20 अप्रैल 1966, सी नंबर 23 अप्रैल 1968, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर है सी नंबर, 23 अप्रैल 1968 को। अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? ए नंबर में शहनाई, बी नंबर वायलिन, सी नंबर तबला, डी नंबर सितार। सेंसर है डी नंबर, सितार। अगला प्रश्न है, नृत्य सम्राट गोपी किशन किस नृत्य से संबंधित थे? ए नंबर कथकली, वी नंबर ओडिसी और डी नंबर कथक, सी नंबर कथक, डी नंबर तांडव। सही आंसर है सी नंबर, कथक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अरुण कुमार सेन का निधन कब हुआ? नंबर 1904, बी नंबर 1950, सी नंबर 1898, डी नंबर 1925। सही आंसर है डी नंबर, 1925 को। अगला प्रश्न है, मृदंग केसरी
उपनाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ए नंबर पागलदास, बी नंबर रघुदास, सी नंबर कुदूसी, डी नंबर पखावजी, सी नंबर उदू पखावजी, डी नंबर कमल सिंह। सही आंसर है सी नंबर कुदूसी। अगला प्रश्न है, पुस्तक ताल परिचय के लेखक का नाम बताएं। ए नंबर आचार्य गिरीश चंद्रवास्तव, सी नंबर डॉक्टर अरुण कुमार सेन, सी नंबर पंडित सत्यनारायण वशिष्ठ, डी नंबर डॉक्टर लाल मणि मिश्र। सही आंसर है सी नंबर पंडित सत्यनारायण वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, परो लालजी श्रीवास्तव किस वाद्य के कलाकार थे? ए नंबर में तबला, बी नंबर वायलिन, सी नंबर सितार और डी नंबर बीना। सही आंसर है ए नंबर तबला। अगला प्रश्न है, भातखंडे संगीत शास्त्र किसकी रचना है? ए नंबर लोचन, बी नंबर अशफाकुल्ला, सी नंबर पंडित विष्णु नारायण और डी नंबर सारंगदेव। सही आंसर है सी नंबर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं? ए नंबर कंठ संगीत के लिए, बी नंबर बांसुरी वादन के लिए, सी नंबर शास्त्रीय वादन के लिए, डी नंबर सितार वादन के लिए। सही आंसर ए नंबर कंठ संगीत के लिए। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? ए नंबर बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव में, बी नंबर बिहार के पटना जिले में, सी नंबर बिहार के पूर्णिया जिले में और डी नंबर पूर्णिया के बिहार के नालंदा में। सही आंसर है ए नंबर बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव में। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? नंबर 1915, बी नंबर 1910, सी नंबर 1908, डी नंबर 1916। सही आंसर है सी नंबर 1908 को। अगला प्रश्न है, फैयाज खां का जन्म स्थान कहाँ है? ए नंबर आगरा यूपी में, बी नंबर बनारस में और सी नंबर पंजाब में, डी नंबर दिल्ली में। सही आंसर है ए नंबर आगरा यूपी में। अगला प्रश्न है, फैयाज खां कब जन्म हुए थे? ए नंबर में 1870, बी नंबर 1880, बी नंबर सी नंबर 1890 और डी नंबर 1886। सही आंसर है डी नंबर 1886 को। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विष्णु दिगंबर में खाली का चिन्ह क्या है? ए नंबर वन, बी नंबर जीरो, सी नंबर डिवाइड और सी नंबर डिवाइड, डी नंबर प्लस। सही आंसर है डी नंबर प्लस। अंतिम प्रश्न है दोस्तों वीडियो का, संगीत मरकंद के रचयिता कौन है? नंबर में कविता, बी नंबर नारद, सी नंबर छात्र, डी नंबर सरोज। सही आंसर है बी नंबर नारद। तो दिया था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।